सर्दियों में चाय के साथ गर्मा गर्म पालक के पकोड़े मिल जाए तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक के पकोड़े की रेसिपी, जो बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। जब आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, और ये मैंने 200 ग्राम पालक लिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के और बारीक बारीक कट कर लिया है, तो सारा पालक हम इसमें डाल देंगे। सारा पालक मैंने इस बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1/4 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डालेंगे इस तरीके से, देखिए। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, तो 1 कप मैंने बेसन लिया है, और बेसन हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, देखिए। पालक हम इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और बेसन का यूज़ हमें थोड़ा थोड़ा करना है। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि पालक में मॉइस्चर होता है। तो जैसे जैसे आप बेसन इसमें मिक्स करेंगे, वो बैटर बनता जाएगा, देखिए इस तरीके से। ये हमने जो बेसन इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो 1 प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया इस तरीके से, देखिए, और सारा प्याज हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन लिया है बारीक कट करके, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्च बारीक कट करके, लाल मिर्च भी हमने इसमें डाली थी, तो हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ी सी हमने इसमें हींग डाली है, 1 पिंच। और अब हम सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, बैटर हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये हमने एक पैन लिया है, गैस की फ्लेम ने ऑन कर दी है, और मैंने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने घोल बना के तैयार किया था पकौड़े का, वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरीके से हमें डालना है, कोई शेप नहीं देनी हमें, बस फटाफट से घोल इसमें डालते जाएंगे। तो जितने पकौड़े आप एक साथ फ्राई कर सकें, उतने पकौड़े हम इसमें डालेंगे, और हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तभी हमारे पकोड़े कुरकुरे बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको थोड़ी देर फ्राई कर लिया है, अब हम इसे पलटेंगे। तो बस इसी तरीके से आप इसको बीच बीच में पलटते रहें, और गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छा कुरकुरा होने तक और बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे जो पकोड़े हैं हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो बस अब निकालेंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया हमारे पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाइए और गर्मा गर्म अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। तो सारे जो पकोड़े हैं वो हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाकी के जो पकोड़े हैं वो बना के तैयार करेंगे, और फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये सारे पकोड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, पालक के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी बनाइए इस विंटर, और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।